साल था 1968। 29 साल के जमशेद जी नसरवंजी टाटा ने नागपुर में एक कॉटन मिल को स्थापित कर टाटा ग्रुप की नींव रखी। उनका सपना था एक स्टील एंड आयरन कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का। उनके जीवन काल में उन्होंने होटल को पूरा होते देखा और उनके बाकी तीन सपनों को उनके बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने पूरा किया। तब शायद उनको मालूम भी नहीं था कि उनके द्वारा नींव रखी गई टाटा ग्रुप ना सिर्फ इंडिया बल्कि विश्व की सबसे रेप्यूटेड कंपनीज में से एक होगी। बट आज के इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के बारे में नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के ही एक कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम योगदान दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व और स्वागत है आपका दी स्टोरी अनटोल्ड के सबसे पहले एपिसोड। भारत अभी आजाद हुआ नहीं था, साल था 1945। टाटा मोटर्स की जर्नी शुरू हुई जमशेदपुर से एज टेल्को। टेल्को ने अपनी शुरुआत की स्टीम इंजिन्स या लोकोमोटिव बनाने से। 10 सालों तक लोकोमोटिव्स बनाने के बाद 1954 में टेल्को ने जर्मनी के डैमलर बेंज के साथ कोलैबोरेशन कर लॉन्च किया अपना सबसे पहला कमर्शियल व्हीकल TMB 312 ट्रक। ट्रक बनाने में टाटा मोटर्स ने अपनी विशेषज्ञता स्थापित करने के बाद 1969 में टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स रखा। टाटा मोटर्स को अपनी पहली पैसेंजर कार को मार्केट में लाने में 4 दशक लग गए। 1989 में टाटा ने लॉन्च किया टाटा मोबिल, जो एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल था और इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। 2 साल बाद 1991 में टाटा ने भारत को दिखाया सबसे पहली SUV टाटा सियेरा। टाटा सियेरा को तब टेल्को स्पोर्ट भी कहते थे और इसी के साथ ये सफ़र जो है एक नई मोड़ की तरफ बढ़ा चला। अब अपने 70 साल के इतिहास में टाटा 50 साल से ट्रक एक्सपोर्ट कर रही है। ट्रक एक्सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 1961 में, जब उन्होंने अपनी TMB 312 ट्रक को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। टाटा ने इंडिया को अपनी सबसे पहली इंडिजेनसली डेवलप्ड पैसेंजर कार इंडिका के रूप में दिया। इंडिका एक बेहद पॉपुलर कार बना और सेल्स के मामलों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। आज टाटा 175 कंट्रीज में है और 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं टाटा मोटर्स के। टाटा ने विश्व को दिखाया कि सबसे कम दाम की कार क्या होती है। 1 लाख रुपए में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था। नैनो रतन टाटा जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। एक वक्त जिस कंपनी को टाटा ग्रुप फोर्ड को बेचना चाहती थी, वही आगे चलकर फोर्ड से उनकी लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा था। लेकिन इस पूरे जर्नी में ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। हर एक कंपनी को करना पड़ता है और टाटा मोटर्स को भी करना पड़ा। नैनो के प्रोडक्शन इश्यूज, लोअर सेल्स, इन सब के बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे ही। और इसी सभी कठिनाइयों को पार करते हुए टाटा मोटर्स ने एक नए अप्रोच के साथ फिर से एक नई जर्नी का शुरुआत किया। गैर अप्रोच से कंपनी को एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश टाटा मोटर्स के हेड्स ने किया। गैर यानी कि जनरेट आइडिया, इवेलुएट एक्शन एंड रियलाइज। इसी नए अप्रोच के साथ टाटा मोटर्स ने इंपैक्ट डिजाइन लैंग्वेज को भी इनिशिएट किया। आज के दौर में अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स ना सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में बल्कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की भी टॉप कॉन्ट्रैक्टर में से एक है। टाटा मोटर्स ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने के पॉइंट व्यू से इटालियन डिजाइन फर्म ट्रिलिक्स में भी 80% एक्वायर कर लिया। टाटा मोटर्स के अभी अगर प्लान की बात करें तो 2024 तक अपनी पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को टाटा रीबिल्ड करना चाहती है। न्यू सेफर कार्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, बेहतरीन डिजाइन के साथ एक मिलेनियल सेंट्रिक फ्यूचर ओरिएंटेड कार्स बनाने का जो है टाटा मोटर्स ने निर्णय किया है। आज के दौर में अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स ने ना ही सिर्फ हमें इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडिका दिया या हमें वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार दी, बल्कि इंडिया को अपनी सबसे पहली ग्लोबल एनकैप 5-स्टार रेटेड कार भी दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामलों में भी टाटा मोटर्स पीछे नहीं रहना चाहती और इसी वजह से उन्होंने टिगोर EV जैसे कार्स को भी लॉन्च किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने एक रोड मैप प्लान आउट किया है।
इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के ग्लोबल प्रेजेंस की, तो आज 175 से भी ज़्यादा कंट्रीज में टाटा मोटर्स अवेलेबल है। ना ही सिर्फ टाटा की अपनी ब्रांड की कार्स बल्कि जैगुआर और लैंड रोवर भी एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस आज के डेट में बन चुका है। टाटा मोटर्स के इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस के अलावा भी अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन जैसे दूसरे कंट्रीज में भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। और फ्यूचरिस्टिक कार्स बनाने के लिए उन्होंने एक नया सब डिवीजन भी क्रिएट किया टैमो के नाम से। तो ये था टाटा मोटर्स की अनटोल्ड स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अपने विचार टाटा मोटर्स और उनके कार्स के बारे में। कोई वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करना ना भूलें। विद दैट गाइज, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।